देखिए बिल्कुल रोहित भाई, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ जो कि लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। और यहाँ पर मैं हूँ नंदीग्राम के आम गछिया में, और ये देख सकते हैं आप, ये बुजुर्ग मतदाता हैं जिन्हें उनके साथ लेकर आए हैं। कितने साल के हो गए बाबा? है? कितने साल के? 85 बचर बयस है। 85 साल? हाँ। वोट डालने आए सुबह सुबह? हाँ, वोट वोट भालो भाई, वोट दिया है। दिखाओ तो बाबा, उंगली दिखाओ अपना निशान, कहाँ डाला? बाबार वोटटा आमी दिएछी दुटो बाबा। अच्छा, बाबा बताए? हाँ, आमी दिएछी बाबार वोटटा। अच्छा, तो 85 साल इनकी उम्र है। हाँ। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं रोहित, 85 साल की उम्र और उसमें इतना जोश, सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। और ये तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ नंदीग्राम के आम गाछी की, ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से ही लोग अपने सबसे बड़े मताधिकार का, सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां जमा है। धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, लेकिन लोगों के उत्साह में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग यहां पर अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं अपने कार्ड के साथ मौजूद हैं, अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूद है, क्योंकि उन्हें पता है इनका एक वोट सब कुछ बदल देगा, इनके आसपास की चीजें बदल देगा। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं की भी बहुत लंबी लाइन यहां पर है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर मौजूद है। तो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और सीधा रुक करते हैं सरफराज का, जो कि मौजूद है नंदीग्राम में। सरफराज, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? बिल्कुल 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 रमन, देखिए शुभेंदु अधिकारी एक घंटे के बाद यहां से निकल रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी यहां पर बैठे गाड़ी में, ब्लैक कलर की गाड़ी है, ये निकल रही है। लगातार हम इनके साथ, इनका काफिला बिल्कुल तैयार हो गया है, हम के काफिले के साथ जा रहे हैं। अभी बूथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि जहां पर इनको मिला कि कोई खबर मिलेगी या बूथ पर कोई गड़बड़ी होगी, ये वहां जाएंगे। और शुभेंदु अधिकारी ये निकल रहे हैं, देखिए उनका काफिला, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी निकल रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि आइए जरा, आइए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें हैं। किधर की तरफ जाएंगे आप दादा, किधर की तरफ निकलेंगे? इधर आप किधर की तरफ जाएंगे? देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी यहां पर हैं। मुझे लगता है कि दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो उनका काफिला था वो इस तरफ जाना था, अभी इन्होंने चेंज करके, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए। शुभेंदु अधिकारी यहां से निकल रहे हैं, और अपने ड्राइवर से भी कहूंगा कि मैं गाड़ी लेकर आएंगे। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए शुभेंदु अधिकारी यहां से निकल रहे हैं, अपने ड्राइवर से कहूंगा कि गाड़ी मोड़कर लाए तुरंत। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, देखिए इनका काफिला निकल रहा है, मीडिया कर्मी उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, गाड़ी मोड़ो। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, देखिए तमाम जो मीडिया कर्मी है वो रोक रहे हैं, इनको आवाज को खबर मिली होगी, क्योंकि जिन्होंने वहीं पर जाने का वादा किया था जहां पर कुछ उनको गड़बड़ी मिलेगी। और ये देखिए तमाम लोग उनको घेर रहे हैं, खासतौर से मीडिया का लंबा जमावड़ा है और पूरा जैम लग गया है। तस्वीरें दिखाइए, आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आइए ये तस्वीर आइए, सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी इस गाड़ी में मौजूद में बैठे हैं, मीडिया कर्मी लगातार बातचीत कर रहे हैं, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, और लगातार यहां से निकलने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। जी हिंदुस्तान इनके काफिले के साथ लगातार चलेगा, ये जहां भी जाएंगे आज जी हिंदुस्तान पूरी तरीके से, मैं पूरी कोशिश है इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। दादा किधर? तमाम गाड़ियां हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वापस आएंगे। देखिए जी मीडिया की टीम लगातार इनके साथ है, जी मीडिया की टीम इनके साथ है, और जी मीडिया की तस्वीर टीम जो है वो लगातार हम इनके काफिले के साथ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए काफिला भी मुड़ गया है, गाड़ी मोड़ लो जल्दी लेकर आओ। देखिए जी मीडिया की टीम लगातार इनके साथ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये शुभेंदु अधिकारी का काफिला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, और हम भी इसी काफिले के साथ गुजरने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जी मीडिया की टीम अपने साथ रहेगी। कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाते रहिए, इनका काफिला पूरी तरीके से मुड़ रहा है, जहां भी जाएंगे हम उनके साथ में मौजूद रहेंगे। ये पूरी उनकी काफिला है, उनकी गाड़ियों का, ये इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम काफिला है, और ये जो जहां भी शुभेंदु अधिकारी जाएंगे जी मीडिया की टीम उनके साथ में रहेगी, जी मीडिया लगातार उनके साथ इस पूरे काफिले में जाएगा, और बड़ी तादाद में, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई खबर उनको मिली होगी, इसीलिए अपने कैमरामैन से कहूंगा दर्शाइए, तमाम जो काफिला उनका जो काफिला है शुभेंदु अधिकारी का जो काफिला है वो गुजर रहा है। मैं अपने कैमरामैन से लगातार तस्वीरें भी हमें दिखाते रहेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक घंटे के बाद, वोट डालने के एक घंटे के बाद वो अपने घर से निकले हैं, पूरे विधानसभा का उन्होंने जायजा लिया,
और जायजा लेने के बाद वो अब यहां से निकल रहे हैं। मैं उनके काफिले में हूं, इसीलिए लगातार मैं बता रहा हूं उनका काफिला इस वक्त गुजर रहा है और उनका काफिला ममता बनर्जी के घर के सामने से होकर बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं। उधर ममता बनर्जी का जो घर है वहां पर भी गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि चॉपर उनका भी उतरा हुआ था। तो ये आगे किधर की ओर रवानगी है, लगातार सरफराज फॉलो उन्हें करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच में जरा लक्ष्मी और रोहित का भी रुख कर लो, रोहित और लक्ष्मी, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी बेहद कम है। पिछली बार का मुझे याद है, फर्स्ट फेज के इलेक्शन का मुझे याद है, सुबह 9:15 बजे तक ऐप के ऊपर दिखाया गया था कि तकरीबन 20% मतदान हुआ है, जो 4 मिनट के बाद घट करके 10% हो गया था, फिर भी 10 से 20 के बीच में था। इस बार तो अभी 1% भी नहीं हो पाया है। रोहित और लक्ष्मी तस्वीरें जरा दिखाइए, कितने लोग अब तक वोट डाल पाए हैं? देखिए शालिनी, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और इस सीट की मैं बात करूँ, आपने पिछले पहले चरण की बात करी है, लेकिन इस सीट पर 2016 में 80% मतदान हुआ था। तो यहाँ का जागरूक मतदाता कितना यहाँ पर पहुँचता है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ईवीएम खराब हुई थी जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें लग गई और लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक एक करके अब लोग वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें नितिन दिखाई, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए। वोट डाला आंटी आपने? निशान देखिए, ये वोट डालकर निकली हैं, ये वोट डालकर निकली हैं अभी। हालांकि कितनी देर इंतजार करना पड़ा ईवीएम की वजह से? आधा घंटे। देखिए ये भी आधा घंटे पहले आ गई थी और यहाँ पर तमाम लोग काफी पहले आ गए थे। रोहित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक एक तस्वीर हमने दिखाई जब यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे। यही एक मेन वजह है शालिनी, क्योंकि तमाम जगह से ये खबरें आ रही हैं कि ईवीएम खराब होने की वजह से जो वोट होना चाहिए था क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मुस्तैद है, ये गड़बड़ी भी जल्दी ठीक कर दी जाएगी और जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता चला जाएगा। वो तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। सरफराज शुभेंदु अधिकारी को फॉलो कर रहे हैं और ममता बनर्जी जिधर जाएंगी प्रत्युष और श्वेता उनके साथ रहेंगे, कोई भी एक तस्वीर छूट ना जाए। लगातार जी हिंदुस्तान भी मुस्तैद है ठीक उसी तरह जैसे तमाम पार्टी और इलेक्शन कमीशन है। छोटा सा